हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे क्लास 11 का। ओके, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर करने से पहले आपको थोड़ा सा रिपीट करना है 10th का। 10th में आप लोगों ने क्या क्या किया था? आपने क्या किया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में किया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू। ओके, अभी इसमें क्या किया था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 था। ठीक है, अभी d किसके इक्वल है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जो d है, अभी देखो ध्यान से, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या आएंगे आपके पास, कौन सा रूट्स आएंगे? रियल रूट्स, जिसको क्या बोलते हैं, अनइक्वल रूट्स। ओके, आर इक्वल टू जीरो है तो कौन सा किया था, इक्वल रूट्स। अगर लेस देन जीरो है तो क्या किया था, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, अभी आपने क्या किया था 10th में, कि ग्रेटर जीरो पर एक रूट आप लोगों ने कर लिया था, क्योंकि इसमें जो आप डिस्कस कर रहे थे वो सारा रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अभी रियल नंबर्स क्या है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी विच कोई भी नंबर्स आएगा, चाहे वो रैशनल नंबर है, चाहे वो इंटीजर्स है, चाहे वो इरैशनल नंबर्स है, कोई भी नंबर आएगा वो सारा का सारा क्या होगा, रियल नंबर्स। अभी अब ग्रेटर देन जीरो है तो रियल रूट्स इसके बीच पहले भी आ रही थी आप लोगों की। इक्वल रूट्स किया आपने, जब लेस देन जीरो की बात आई, इमेजिनरी रूट्स की बात आई, तो आपने 10th में इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। अभी हम क्या करेंगे 11th में, इमेजिनरी रूट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस कैसे कैसे करेंगे, कि देखो x अगर 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो आप क्या करते हैं, 3x इक्वल्स टू माइनस 4, एक्स में भी क्या आएगी माइनस 4/3, ये क्या है, रैशनल नंबर सारा। ओके, आपने ऐसे भी कर दिया था। अभी अगर यही चीज ऐसे होती है, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, अभी अगर बी स्क्वायर, देखो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो आप लोगों ने इसको क्या किया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स वैल्यू प्लस माइनस 1, प्लस 1 भी आ सकती है तो माइनस 1 की इक्वल भी वैल्यू आ सकती है। अगर यही चीज ऐसी हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 के इक्वल हो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, माइनस 1, तो एक्स वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। अभी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, इसकी नेगेटिव आ रही है। अभी ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया हो गया कि ये आएगा कैसे, अभी इसकी वैल्यू क्या आएगी। अभी देखो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, ये पॉजिटिव आ रहा है ना ये नेगेटिव आ रहा है। अभी मैथमेटिक्स ने क्या किया कि अगर ऐसी वाली कोई भी कंडीशन आती है तो हम उसको क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल वैल्यू शो कर देंगे, आई, हम क्या लिखेंगे इसको, आई ही लिखेंगे, मगर शो क्या करेंगे, एओटा, आई ओ टी एओटा। ठीक है, अभी ये कौन सा पार्ट हो गया, इमेजिनरी, इमेजिन किया। अभी जो ये एओटा है ये क्या होगा, ना तो ये नेगेटिव होगा ना ये पॉजिटिव होगा, एओटा इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ओके बेटा, ठीक है, अभी देखो जैसे अगर आपकी वैल्यू ये आ जाती है माइनस 4 आ जाती है, देखो आप सब बच्चों को पता है कि जो 4 है इसका स्क्वायर रूट 2 होगा, मगर यहां पे क्या है, माइनस 1 है, तो आप क्या करेंगे इसको, माइनस 1 इंटू 4, ये क्या आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट का माइनस 1 ही रहा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2। हम आई ही लिखेंगे इसको, आई के साथ ही डिनोट करेंगे, अगर माइनस 144 है तो इसका आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसका, 144 का 12 स्क्वायर रूट और माइनस 1 का सीधा माइनस 1 इंटू
144 दिया जाएगा 12। जैसे माइनस 3 है तो क्या आएगा इसका, कितना आएगा अंडर √3 ये होता है √3 ये होता है। ठीक है, अभी ये क्या है, जो एओटा है जी क्या है, इमेजिनरी है। मैंने आपको पहले बता दिया ना तो ये नेगेटिव शो करेगा ना इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी पॉजिटिव होगी। ओके बेटा, अभी देखो, अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों ने क्या क्या करना है, इससे पहले एक चीज ध्यान से देखना। अभी देखो एओटा, एओटा की वैल्यू क्या है, √-1 याद रखना हमेशा √-1 योटा स्केयर की वैल्यू क्या होगी, -1 ही होगी, ये हमेशा याद रखना। ओके बेटा, ठीक है, बात जो है आपको पकड़ मानी चाहिए। ठीक है, अगर आप एओटा क्यूब करते हैं तो क्या करेंगे, एओटा स्क्वायर इनटू एओटा, एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 इनटू एओटा, तो क्या आएगा -1। अगर आप एओटा की पावर 4 करते हैं तो क्या करेंगे, एओटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आएगी 1। ओके, एओटा की पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी, 1 के इक्वल आएगी। ओके, अभी आपने याद रखना है नोट कि जो एओटा की पावर 4 n है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1, कब, जब n इसको बुला करेगा नेचुरल नंबर। अगर एओटा की पावर 4 तभी 1, 2 पुट करेंगे 4 × 8, एओटा की पावर 8 की वैल्यू 1 ही होगी। ओके, कैसे होगी, एओटा स्क्वायर की पावर 4 तो क्या आएगा, ऐसे कर लो, जस्ट को ऐसे कर लो, एओटा की पावर 4 का स्क्वायर कर लो, दोनों का मीनिंग क्या सेम है, क्या आएगा इसका 1 का स्क्वायर 1। अगर आप एओटा स्क्वायर की होल पावर 4 करते हैं, एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, इसका पावर 4 करेंगे तो वैल्यू तब भी क्या आएगी, 1 के इक्वल ही आएगी। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, ठीक है, अभी बेटा ध्यान से देखना कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम जनरली डिनोट क्या करते हैं, जेड के साथ डिनोट करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम जनरली डिनोट क्या करते हैं, जेड के साथ डिनोट करते हैं। ए प्लस ओटा बी, ए प्लस ओटा बी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, ओके, क्या कहता है ये, रियल और इमेजिनरी नंबर्स के साथ नोट करता है। अभी रियल और इमेजिनरी क्या है, जे रियल है, ठीक है, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि आप रियल ऑब्जेक्ट बोलो तो वो क्या होगा, ए। अगर मैं कहूंगा इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बोलो तो वो क्या होगा, बी, एओटा का ऑप्शन। जे रियल और जी क्या है, इमेजिनरी, इमेजिनरी क्या है, जो एओटा के साथ वाली टर्म होगी। जैसे जेड इज इक्वल टू 3-4 एओटा, अगर इसका रियल पार्ट क्या होगा 3, इसका इमेजिनरी क्या होगा -4, रियल होगा 3, इमेजिनरी क्या होगा -4 के इक्वल होगा। ठीक है, नोट क्या करता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होना चाहिए तभी कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक है, अभी रियल पार्ट आप टेंथ में डिस्कस कर चुके हैं, जो
अभी 12th में डिस्कस क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। जी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी देखो जेड इज इक्वल टू ए प्लस होता भी इन द फॉर्म ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है। अगर आपने एक नोट जा रखना है कि अगर बी जीरो है तो देन जो जेड होगा वो किसके इक्वल होगा, ए। अभी ए क्या है, प्योरली रियल, ए क्या प्योरली रियल। इफ अगर ए जीरो है, अगर इसकी वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो क्या बचेगा, जीरो प्लस ओटा बी, देन जेड किसके इक्वल होगा, ए ओटा बी होगा, और ये क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। कॉपी करो बेटा जल्दी। टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब रियल पार्ट इक्वल हो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का। कैसे, कि लेट जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस ओटा बी। ओके बेटा, आप जेड टू ले लो सी प्लस ओटा, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, इक्वल होना चाहिए जी। कुछ अब होंगे देखो, ए प्लस ओटा बी, सी प्लस ओटा बी। ओके, रियल पार्ट की इक्वल होना चाहिए ऐसे करके, जो इमेजिनरी नंबर होगा वो इमेजिनरी नंबर के इक्वल होना चाहिए। इट मींस दैट इज कि जो रियल ऑफ जेड वन होगा वो रियल ऑफ जेड टू के इक्वल होना चाहिए, जो इमेजिनरी ऑफ जेड वन होगा वो इमेजिनरी ऑफ जेड टू के इक्वल होना चाहिए। रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा तभी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, अदरवाइज दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं हो सकते। कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेते ऐसे करके, इफ 3 - 4x is equal to y plus 2 evaluate करना है x और y क्या होगी। अभी जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, रियल पार्ट इक्वल, 3 किसके इक्वल होगा, बाई, तो बाई वाले क्या आ गई, 3। जो इमेजिनरी है, इमेजिनरी क्या है, 4x माइनस का 4x किसके इक्वल होगा, 2। एक्स वैल्यू क्या आएगी, 2 / -4, और x किसके इक्वल होगा, -1/2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो बेटा जल्दी से कॉपी कर लो आप, ठीक है। अभी उसके बाद क्या है, एडिशन कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर दी है तो दोनों की एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कब होगी, जो रियल पार्ट होगा रियल पार्ट के साथ एडिशन होना चाहिए, जो इमेजिनरी पार्ट होगा इमेजिनरी पार्ट के साथ उसकी एडिशन होनी चाहिए। कैसे, लेट अगर जेड वन ए प्लस ओटा बी है, जेड टू क्या है, सी प्लस ओटा डी, बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये कोई आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे। एडिशन कैसे होगी, जेड वन प्लस जेड टू, इस तरह से क्या आएगा इसका, ए प्लस सी, जहां पर लिख लो आप ए प्लस ओटा बी प्लस सी प्लस ओटा। ओके, एडिशन कैसे होगी, ए प्लस सी, रियल पार्ट
प्लस इमेजिनरी एटा बी प्लस एटा डी, तो क्या आएगा एटा बी प्लस डी। रियल को रियल पार्ट के साथ सम करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सम करना है। कैसे, एक हम एग्जांपल लेते हैं कि एडिशन कैसे करनी है आप लोगों ने। ओके, कैसे करनी एडिशन, देखो ध्यान से देखना। एक एग्जांपल लेते हैं पहले, एग्जांपल क्या है देखो, इफ लेटर वन हो गया 3 प्लस 4 ए होता, लेटर टू क्या है 5 प्लस 2 ए होता। आप जेट वन प्लस जेट टू कर रहे हैं, आप क्या करेंगे रियल पार्ट को रियल, 3 प्लस 5 कितना आएगा 8 प्लस 4 ए होता प्लस 2 ए होता 6 ए होता। इस तरह से एडिशन कर सकते हैं और जो इसका आंसर आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल और इमेजिनरी। अगर वो कहेगा इसका रियल पार्ट बताओ आप, रियल ऑफ जेट वन प्लस जेट टू बोलो, तो क्या आएगा 8। अगर कहेगा इमेजिनरी आप जेट वन प्लस जेट टू का बताओ, तो क्या आएगा 6। इमेजिनरी का होगा एटा का कोएफिशिएंट। अगर क्वेश्चन लिखता है अवैल्यूएट, ठीक है अवैल्यूएट ऐसे लिखता है 3 2 माइनस 2 एटा माइनस 5 3 प्लस 4 एटा। आप इसको अवैल्यूएट करो, आप कैसे करेंगे 3 2 जा 6 माइनस 6 एटा माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 20। ओके, क्या आएगा आपका 6 माइनस 15, ठीक है 6 माइनस 15 माइनस 9 माइनस 6 होता माइनस 20 होता, तो कितना आएगा माइनस 26 होता। इस तरह से आप अवैल्यूएट कर सकते हैं एडिशन, इस तरह से आप एडिशन कर लीजिए। ओके, जल्दी से कॉपी करो बेटा। ठीक है, अभी क्या है इसकी जो प्रॉपर्टीज है, किसकी प्रॉपर्टीज, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप थोड़ी सी आपको बता देता हूं कि आप इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, अभी इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव का आप जा रहे हैं कि एडिशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव हो जाएगा कि जेड वन प्लस जेड टू करो, चाहे जेड टू प्लस जेड वन करो, आंसर क्या आएगा सेम आएगा फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड वन एंड जेड टू। ओके, सेकंड क्या है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री, इफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, एक बार आपने जेड वन बहुत लिखना है ब्रैकेट के और दूसरी बार क्या लिखना आपने जेड थ्री ब्रैकेट के बाहर लिखना है। इस तरह से एडिशन ऑफ थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव हो जाएगा क्योंकि जेड वन प्लस जेड टू करो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करो, इसके साथ एडिशन करो, आंसर क्या आएगा सेम आएगा दोनों का। ओके, थर्ड क्या है एक्सिडेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है
तो जेड प्लस जीरो करो, जीरो क्या होगा, जीरो प्लस जीरो होगा, जीरो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, चाहे आप जीरो प्लस जेड करो, वैल्यू क्या आएगी, जेड के इक्वल ही आएगी। अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जेड ए प्लस होगा बी, जीरो प्लस जीरो होगा, तो जब ए प्लस जीरो करेंगे तो ए रहेगा, तो योटा बी प्लस जीरो करेंगे आपके पास योटा बी ही रहेगा, जेड के इक्वल ही वैल्यू आएगी। अभी लास्ट वन इसकी क्या प्रॉपर्टी, एक्सिडेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एक्सिडेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, अभी एक्सिडेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जेड, जहां इसका आइडेंटिटी नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, वैल्यू क्या आएगी, जीरो, तो जहां इसको आप क्या करेंगे, माइनस जेड प्लस जेड करेंगे तब भी क्या आएगा, जीरो के इक्वल ही वैल्यू आएगी। ओके बेटा, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थैंक यू।